आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. सो मतलब अभी पब्लिक को मतलब क्या मालूम रहना चाहिए कि मतलब रिस्पॉन्सिबली उसको मतलब समझो कहीं पर कचरा फेंका गया है, कहीं पर मतलब कूड़ेदान हुआ है, तो उसको मतलब मतलब बरोबर डिस्पोज करना चाहिए. या तो फिर अगर नहीं मालूम है तो कम से कम बीएमसी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसको डिस्पोजल के लिए इंक्वायरी करना चाहिए और डिस्पोज करना चाहिए. मतलब मान लो आप कहीं पर बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको मतलब कोई एजेड दिखा या कोई दिखा तो कम से कम आपको मतलब वुमेन हुआ या कोई ओल्ड एज हुआ पर्सन हुआ तो उसको कम से कम सीट देना चाहिए आपको अपना सीट छोड़कर. और उसके बाद समझिए आप कहीं पर मतलब जा रहे हैं, आप कहीं मतलब वॉकिंग प्लेस पे या पब्लिक प्लेस पे आप हैं या कहीं रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ मतलब संदिग्ध वस्तु दिखाई दे रही है मतलब जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, आप दो चार जन को पूछ लीजिए पहले कि आपका है या किसी का है. अगर नहीं है तो आप कम से कम रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर या जो भी है पुलिस डिपार्टमेंट के नंबर पर कॉल करके उसके बारे में बता दीजिए. और सबसे बड़ी चीज़ टैक्स. अभी रिसेंटली वी शुड नॉट से द मोदी सरकार बट रिसेंटली अभी मोदी सरकार का टाइम है तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली एक टैक्स पेइंग का आ रहा है 30 सितंबर से. तो मतलब उसके पहले आप टैक्स पे कर दीजिए कि मतलब आपका जो भी ब्लैक मनी है मतलब उसके रिगार्डिंग में अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर ब्लैक मनी है तो 40% गवर्नमेंट ले लेगा और 60% आपको मिलेगा. तो उसके रिगार्डिंग भी पब्लिक को मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए और इसको जो भी गवर्नमेंट रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए. उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारा तो चल रहा है कि हमारा तो घर चल रहा है सब कुछ है, लेकिन गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए लोगों को. ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने हिसाब से चलना चाहिए. और बस इतना मैं बोलना चाहूँगा.